दोस्तों, जादू एक बहुत कमाल की चीज है जिसे देखकर हम काफी खुश और आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। हमने कई बार जादू देखा है और हर बार नए नए जादू हमें चौंका देते हैं। जादूगर इतनी बेहतरीन तरीके से जादू दिखाते हैं कि हम चौंक ही जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या दुनिया में सच में कोई जादुई शक्ति है या सिर्फ ये जादूगरों का कमाल का टैलेंट और उनके हाथों की कोई चालाकी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 जादू के ट्रिक्स दिखाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे और साथ ही में उनके सीक्रेट्स भी आपको बताएंगे और उनकी पोल आपके सामने खोलेंगे। ऐसा वीडियो आपने शायद ही कहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। स्मार्टफोन्स और लैपटॉप की तीखी ब्लू लाइट से होता है आई स्ट्रेन और विजन लॉस। आई प्रोटेक्शन के लिए इंडियन टेकीज प्रेफर करते हैं जेब्रियाना कंप्यूटर आई ग्लासेस। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें जेब्रियाना.in या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। नंबर 5, जादूगर आजकल कई अलग अलग और नए तरह के जादू दिखाते हैं। कुछ काफी खतरनाक तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि उस जादूगर ने इस ट्रिक को किया कैसे। साइमन पायरो जर्मनी के एक बहुत बड़े जादूगर है। इनके जादू के ट्रिक्स दूसरे जादूगरों से काफी अलग और अनोखे होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर ट्रिक्स अपने आईपैड पर करते हैं। किसी चीज को आईपैड से बाहर निकालना और उसे वापस फिर से अंदर डालने जैसे कमाल के ट्रिक्स जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो ऐसे ट्रिक करते हैं। ये अपने आईपैड में जादू दिखाने के लिए काफी अलग तरह की पर्सनलाइज्ड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जादू बिल्कुल असली लगता है। लेकिन आज हम आपको उन जादू के पीछे के सीक्रेट्स बताएंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरह साइमन ऑडियंस को एक छोटे टेनिस बॉल की फोटो दिखाते हैं, फिर उसे एक असली टेनिस बॉल की साइज का बनने तक जूम करते हैं, फिर उसे हाथों से उस स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं जो एक असली टेनिस बॉल होता है। तो साइमन एक आईपैड से असली टेनिस बॉल किस तरह निकाल लेते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। इसके लिए वो अपने आईपैड के स्पेशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने खास मैजिक ट्रिक्स के लिए डिजाइन करवाई है। ज्यादातर जादूगर जैकेट या कोट पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कोट ही क्यों पहनते हैं? ये जादूगर आखिर टी शर्ट क्यों नहीं पहनते? और यही इनका हथियार होता है इन सभी ट्रिक्स को करने का। तो अब हम आपको बताते हैं कि साइमन ने इस ट्रिक को किया कैसे। दरअसल साइमन ने पहले ही एक टेनिस बॉल अपनी जैकेट में रखी हुई थी और जैसे ही उन्होंने अपने आईपैड से हाथ हटाया तो वो बॉल की फोटो आईपैड से गायब हो गई जो कि पहले ही ऐप में फिट किया हुआ था। उसी वक्त साइमन ने अपनी जैकेट से चालाकी से बॉल निकाला जिससे कि हमें लगा कि बॉल उन्होंने सीधा अपने आईपैड से निकाला है। ये उन्होंने इतने फटाफट किया कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद वो बॉल को वापस आईपैड में डालने की ट्रिक करते हैं और बॉल को वापस अपने जैकेट में डाल देते हैं। दूसरी ट्रिक में वो अपने आईपैड से एक अपने दोस्त को वीडियो कॉल करते हैं और कैमरा के जरिए अपने दोस्त के सर पर दूध का ग्लास गिरा देते हैं जिसे देखने वालों को ऐसा लगता है कि सच में दूध कैमरा से होकर उनके दोस्त के सिर पर गिरा है। इस ट्रिक का सीक्रेट भी काफी दिलचस्प है। इस ट्रिक में साइमन जो ग्लास इस्तेमाल करते हैं ये उसी का कमाल है। ये एक बहुत अलग तरह का ग्लास है जिसे साइमन ने अपने मैजिक ट्रिक्स करने के लिए बनवाया है। इस ग्लास के अंदर पहले ही एक छोटा सा ग्लास होता है और दूध उस छोटे ग्लास में होता है, लेकिन बाहर से देखने पर हमें इसका पता नहीं चलता। वो ग्लास इस तरह बना हुआ होता है कि अगर उसे टेढ़ा कर दे तो उसके अंदर की चीज बहकर बाहर के बड़े ग्लास में चली जाती है और ग्लास के बाहर नहीं गिरती। और साइमन के दोस्त वाला वीडियो तो पहले से ही रिकॉर्डेड होता है, लेकिन देखने पे ऐसा लगता है कि दूध सच में कैमरा से होकर वाईफाई के जरिए या फिर नेटवर्क के जरिए साइमन के दोस्त के सिर पर गिर रहा है और हम इस जादू की ट्रिक को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। तीसरी ट्रिक भी वो कुछ इसी तरह करते हैं। इस ट्रिक में साइमन अपने आईपैड पर एक बियर टैप लगा देते हैं और उसे चालू कर देते हैं जिससे उसमें से बियर निकलना शुरू हो जाती है। देखने पर यह ट्रिक बहुत गजब और कमाल की लगती है, लेकिन इस ट्रिक का सीक्रेट भी साइमन के जैकेट में है। असल में उनकी जैकेट में एक पाइप छुपा हुआ होता है जो साइमन उस बियर टैप से जोड़ देते हैं और उस पाइप का दूसरा एंड उनके जैकेट के पॉकेट में एक बियर बैग से जुड़ा हुआ होता है जिससे वो बियर टैप से बाहर आती है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि वो बियर सचमुच में साइमन के आईपैड से आ रही हो। नंबर 4,
ये ट्रिक सबसे ज्यादा अमेजिंग और बहुत फास्ट की जाने वाली ट्रिक है। इसमें जादूगर कुछ ही सेकंड्स में कई बार अपने कपड़े बदल लेती है। ये ट्रिक वो लड़की इतनी तेजी से करती है कि आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले ये लड़की स्टेज पे आती है और देखते ही देखते वो एक रिंग के अंदर पर्दे के पीछे चली जाती है और कुछ ही सेकंड्स में कई बार अपने कपड़े बदलती है, जिसे देखकर हम दंग रह जाते हैं। आज भी इस जादू का राज किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम आपको इसका राज बताएंगे। इस जादू की पोल खोलना सबसे कठिन पार्ट था। दरअसल इस जादू का सीक्रेट जादूगर के कपड़ों में होता है। इस ट्रिक के जरिए जादूगर जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो काफी अलग और असाधारण होते हैं। ये कपड़े स्पेशली इस जादू के लिए खास टेलर से बनाए जाते हैं और ये काफी अलग डिजाइन के कपड़े होते हैं, जिसके कई सारे लेयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर पहने हुए जादूगर आता है और उनको निकालना बहुत ही आसान होता है। ये कपड़े वेलक्रो या हुक की मदद से खुल जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि उसने कई सारे कपड़े एक साथ पहने हुए हैं, क्योंकि यार इतना मोटा जैकेट कौन पहनता है। और वीडियो के एंड में ये तो एकदम पतली हो जाती है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लड़की अपने ब्लैक ड्रेस को निकाल कर छुपाने की कोशिश कर रही है। इस जादू को करने के लिए काफी फुर्ती और काफी चालाकी करनी पड़ती है, क्योंकि चंद सेकंडों में जादूगर को लोगों को पता लगे बिना ही कपड़े बदलने पड़ते हैं और फटाफट उन्हें छिपाना भी पड़ता है, जो इस लड़की ने बहुत बखूबी से किया है। नंबर 3, अगला जो जादू है वो आपने शायद कई देखा होगा। इस जादू में दो जादूगर है जो एक LCD स्क्रीन से एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को बाहर निकालते हैं। लेकिन इस जादू में सिर्फ यही ट्रिक नहीं है, ये जादूगर एक असली बलून को भी LCD स्क्रीन के अंदर डाल देते हैं और उसी में से दो छत्रियां भी बाहर निकालते हैं। तो ये कमाल का जादू जादूगर किस तरह से कर लेते हैं, इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये LCD स्क्रीन एक नॉर्मल स्क्रीन है जिसपे पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा होता है। तो फिर ये उस वीडियो में हमारे नजरों के सामने एक बलून किस तरह डाल देते हैं और उस LCD में से दो छत्रियां किस तरह बाहर निकालते हैं। आप जरा इस बलून को गौर से देखिए। गौर से इसे देखने पर पता चलता है कि जादूगर बलून को LCD स्क्रीन के बहुत करीब ले जाता है और फिर वो उस बलून को किसी तरह से फोड़ देता है और उसी समय LCD पर वो बलून दिखाया भी जाता है। ध्यान से देखने पर आपको फूटा हुआ बलून नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, लेकिन दूर से लोगों को ये दिखाई नहीं देता। अब अगर हम LCD में से छत्रियां निकालने वाले किस्से को गौर से देखेंगे तो ये दिखाई देता है कि वो छत्रियां पहले से ही उनके हाथ में थी, जो कि जादूगरों ने बड़ी चालाकी और तेजी से बाहर निकाली और वो हमें दिखाई भी नहीं दी। बाद में उन्होंने इसे स्क्रीन के एकदम नजदीक लाकर खोल दिया। अब बारी आती है लड़कियों को LCD स्क्रीन से बाहर निकालने की। ट्रिक ये है कि जब एक जादूगर बड़ा सा कपड़ा LCD के सामने करने लाता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं, उसी के पीछे से दोनों लड़कियां घुसकर नीचे बैठकर स्टेज पर आती है और वो हमें दिखाई नहीं देती। और जैसे ही जादूगर उस बड़े से कपड़े को ऊपर करता है तो एक लड़की फौरन खड़ी हो जाती है, और क्योंकि जादूगरों ने अभी भी वो कपड़ा पूरी तरह से हटाया नहीं है इसलिए हमें वो दूसरी लड़की नजर नहीं आती। जादूगरों ने उस दूसरी लड़की को छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अगर आप पॉज करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरी लड़की के पैर इस लड़की के पीछे नजर आएंगे। लेकिन जब पहली लड़की को उस कपड़े में वापस लपेटते हैं तो दूसरी लड़की फौरन खड़ी हो जाती है और फिर जादूगर कपड़ा हटा देता है और हमें दोनों लड़कियां दिखाई देती है। इस तरह से यह जादूगर ये बहुत ही पेचीदा मैजिक ट्रिक पूरा करते हैं। नंबर 2, विच जोसेफिन ली की ये सबसे फेमस ट्रिक है। इस ट्रिक में आप देख सकते हैं कि जादूगर सबसे पहले एक बलून के ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा रख देती है और उसे यहाँ वहाँ घुमाने लगती है। फिर वो उस बलून को लेकर पास में रखे उस बॉक्स के पास चली जाती है। इसके बाद जादूगर वो बड़ा सा कपड़ा बलून के ऊपर रखकर उसे साइड कर देती है और खुद बॉक्स के अंदर खुद को बंद कर लेती है। लेकिन कुछ ही देर में वह बॉक्स खुलता है और जोसेफिन उस बॉक्स में नहीं होती और उस बलून की जगह आ जाती है। तो आखिर ये हुआ कैसे, वो उस बॉक्स से निकली कैसे? तो इस जादू का सीक्रेट सुनने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन उसको परफॉर्म करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। असल में जब जोसेफिन उस बॉक्स के ऊपर चढ़ती है तो उस बॉक्स के नीचे के हिस्से में एक कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट में उसी की तरह कपड़े पहने हुई एक लड़की छिपी हुई होती है।
वो जादूगर की जगह उसी वक्त ले लेती है और उस बॉक्स में बैठ जाती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जादूगर का चेहरा नहीं दिखाई देगा जब वो बॉक्स के अंदर जाती है, और जादूगर उस बलून को फोड़ कर उसकी जगह कपड़े के अंदर पहले ही बैठ जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि जादूगर उस बॉक्स के अंदर गई है। काफी लाउड म्यूजिक होने के कारण बलून फटने की आवाज किसी को नहीं आती और ये ट्रिक जादूगर आराम से कर लेती है। नंबर एक, ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने के साथ आपको सुपर नेचुरल पावर्स होने की उलझन में भी डाल सकती है। इस ट्रिक में आप देख रहे हैं कि किस तरह एक आदमी पूरी ताकत से अपने सर पर ड्रिल मशीन चला रहा है, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई, मानो उसकी बॉडी स्टील की बनी हुई हो और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। असल में ये ट्रिक बहुत ही सावधानी और समझदारी से करनी पड़ती है। इसका सीक्रेट ये है कि जादूगर जो ड्रिल बिट इस जादू के लिए इस्तेमाल करता है वो कोई आम ड्रिल बिट नहीं होती। ये ड्रिल बिट आम ड्रिल बिट से काफी अलग डिजाइन की गई होती है। इस ड्रिल बिट का सिरा नुकीला नहीं होता बल्कि पूरी तरह से सपाट होता है, जिसे वो जादूगर के शरीर के पार नहीं जा सकती, लेकिन बहुत ज्यादा जोर लगाने पर शायद ये उसके शरीर में घुस सकती है, लेकिन इस बात का जादूगर बहुत ख्याल रखता है। तो दोस्तों, आपको इन सब में से सबसे ज्यादा मजेदार जादू कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। स्क्रीन रेस से आंखों को बचाने के लिए जेब्रियाना की ऑफिशियल वेबसाइट जेब्रियाना.in को विजिट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपको कमाल की मशीनें देखना पसंद है तो हमारे चैनल मशीन हंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।